कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बनाए जा रहे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना योद्धा के रूप में मुस्तैद पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए उनके सेहत की नियमित जांच कराई जाएगी। साथ ही ड्यूटी पर जाने से पहले शरीर का तापमान जांचने के साथ शरीर में ऑक्सीजन स्तर और उसको ग्रहण करने की क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा। इस संबंध में SPCT.com ने बताया कि हाई रिस्क एरिया हॉटस्पॉट क्षेत्रों और मेडिकल कॉलेज में लगे सुरक्षा कर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोरोना के संक्रमण से बचने हेतु किट मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही ड्यूटी पर लगे सुरक्षा कर्मियों को संक्रमण ना फैलने पाने इसके लिए विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT.com ने बताया, यार कप्तान साहब के निर्देशानुसार सभी थानों पे थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमेट्री की मशीनों की व्यवस्था की गई है ताकि पुलिस कर्मियों के SpO2 मतलब ब्लड के ऑक्सीजन लेवल और तापमान का लगातार ब्यौरा रखा जा सके, ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम आए तो हमें थोड़ा जल्दी पता चल सके ताकि समय रहते हम उनको क्वारंटीन कर सकें। ये सभी थानों पर और सभी ऑफिसेज में नगर क्षेत्र की अभी व्यवस्था कराई जा रही है। अगर इसका प्रयोग ठीक रहा तो अन्य थानों में भी इस चीज़ को बढ़ाया गया है। जो जहाँ कहीं भी हाई रिस्क एरिया में ड्यूटी लगी है, चाहे हॉटस्पॉट पर लगी है, चाहे मेडिकल कॉलेज, रेलवे अस्पताल, उन सभी जगहों पे पुलिस कर्मियों को सुरक्षा हेतु सभी उपकरण कप्तान साहब के निर्देशानुसार दिए गए, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, PPE किट, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई गई और भी जिस भी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है समय समय में उन्हें दिया जाए। सर हॉटस्पॉट से जो ड्यूटी करके बैरक में आ रहे हैं या जा रहे हैं उनकी भी कोई चेकिंग कराई जाएगी? तो पुलिसकर्मी जो हॉटस्पॉट पे लगे हॉटस्पॉट के बाहर रहते हैं जनरली, तो वहाँ पे किसी बात की आवश्यकता नहीं है, मगर जो कोई भी हॉटस्पॉट से आ रहा है या कहीं अवकाश से भी लौट रहे हैं उनको भी क्वारंटीन किया जा रहा है और अगर कोई सिम्टम नहीं होने पर ही वापस ड्यूटी रिज्यूम कर रहे हैं।